हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, जिसमें हम बात कर चुके थे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के बारे में। आज हम अगले रिएक्टिव इंटरमीडिएट की चर्चा कर रहे हैं। अगला रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा आता है कार्बीन। कार्बीन, देखिए कार्बीन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, वह कार्बन जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह कार्बन जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात आवेश नहीं होता है इसका मतलब उदासीन होती है, वह स्पीशीज कहलाती है कार्बीन। अब देखिए कार्बीन का मतलब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित है इस कार्बन के ऊपर, इस स्पीशीज को हम कहते हैं क्या? कार्बीन। और हम इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं CH2। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित हैं तो इसे हम इस स्पीशीज को नाम देते हैं क्या? कार्बीन। अर्थात इस प्रकार से कार्बन के ऊपर दो तो क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड, दो तो सिग्मा बॉन्ड और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हम इसको यहां, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कि कार्बीन के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। तो हम ये कह रहे हैं यहां पर कि दो तो सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हैं और दो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित है, अर्थात जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर वो कितने हैं? यहां पर 6 हैं। अर्थात कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का षष्ठक पाया जाता है, और षष्ठक पाया जाता है इसलिए ये हुआ हमारे लिए क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये षष्ठक पाया जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसलिए ये न्यून स्पीशीज है, इसलिए ये हमारे लिए यहां पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब देखिए हम बात करें इस कार्बीन के प्रकार की, तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्बीन, टाइप्स में मैं बात बताऊंगा आपको, यहां पर दो प्रकार की कार्बीन्स पाई जाती है, दो प्रकार की कार्बीन्स पाई जाती है। नंबर एक सिंगलेट कार्बीन और नंबर दो ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन को हिंदी में कहते हैं एकक कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन को हिंदी में कहते हैं त्रिक कार्बीन। देखिए क्या डिफरेंस होता है यहां पर सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में। तो देखिए सिंगलेट कार्बीन वो कार्बीन होती है जिसके अंदर कार्बन के ऊपर इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षक के अंदर उपस्थित होते हैं यहां पे। और जब एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं तो हम जानते हैं कि उनका चक्रण क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। हम चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और हम चाहे तो इसी को HCH और यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार से डॉट से भी दर्शा सकते हैं। देखिए यहां पे हमने चक्रण की बात की है, चक्रण में यहां पे जो कार्बीन होगी अगर सिंगलेट कार्बीन होगी तो यहां पर कार्बीन का जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा, sp2 संकरण, जिसमें मैंने बताया कि तीसरे जो संकरित कक्षक है उसके अंदर क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन्स, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं जो कि विपरीत चक्रण लिए हुए है। इसी प्रकार से जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है उस ट्रिपलेट कार्बीन में देखिए
व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में, या हम यूं कहें कि अलग अलग दो असंकरित कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, तो यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो पाया जाता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होगा वो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग रिक्त असंकरित कक्षकों के अंदर भरे हुए हैं। चाहे मान लीजिए हम इसको पी वाई कह दें और इसको हम जैसे सपोज पी जेड कह दें। तो इस प्रकार से सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का संकरण sp2 पाया जाता है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन का संकरण कैसा पाया जाता है? sp संकरण पाया जाता है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि सिंगलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये विपरीत चक्रण लिए हुए उपस्थित है, और यहां पर लेकिन हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, यहां पे हम इसको दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शब्द ही काम में लेंगे। तो ये था आपका सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कार्बीन के फॉर्मेशन के बारे में कि इसका निर्माण कहां कहां होता है और किस प्रकार से निर्माण होता है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन पहला फॉर्मेशन इसका होता है कहां? जब हम डाई एजो मीथेन को CH2 नंबर एक CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे ये है हमारा डाई एजो मीथेन, और नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस डाई एजो मीथेन को, डाई एजो मीथेन को यदि हम गर्म करते हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें मिलता है क्या? कार्बीन मिलती है CH2 और नाइट्रोजन यहां से रिलीज हो जाती है। इस प्रकार से दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है कीटीन, कीटीन को हम लिखते हैं CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या उपस्थित है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएंगे, साथ ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और ये जो है आपका ये जो बॉन्ड है ये यहां इस तरफ जाएगा। जब हम इसको गर्म कर रहे हैं कीटीन को, तो कीटीन को सॉरी इसका नाम लिख देते हैं हम यहां पर कीटीन, कीटीन को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? कार्बीन प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? कमी हो गई है, और यहां पे कार्बन के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं या प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से डाइएजो मीथेन और कीटीन को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? कार्बीन प्राप्त होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि हम पढ़ते हैं, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट के बारे में कि इसमें जो रिएजेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH। तो देखिए KOH टूटता है किसमें? OH नेगेटिव में। तो जब CHCl3 और OH नेगेटिव जो होता है इनके अंदर जब रिएक्शन होती है तो बनता है क्या? CCl2 यानी डाई क्लोरोकार्बीन बनती है, और साथ में बनता है Cl नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से यहां भी हमें इंटरमीडिएट के रूप में क्या प्राप्त होता है? डाई क्लोरोकार्बीन प्राप्त होती है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। इस प्रकार से ये
हमारा कार्बीन यहां पर संपन्न होता है। देखिए अगली जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है उसकी बात करेंगे हम। अगला हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है क्या, एराइन। और एराइन में मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे क्या, बेंजाइन। एराइन जिसमें हम स्टडी करेंगे किसकी, बेंजाइन की। पहली बात कि सब एराइन किसे कहते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें त्रिबंध पाया जाता है वो क्या कहलाता है, एराइन कहलाता है। देखिए अब हमें स्टडी किसकी करनी है, बेंजाइन की स्टडी करनी है। तो बेंजाइन क्या होता है, जिसमें एक बेंजीन वलय में एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है वो कहलाता है क्या, बेंजाइन कहलाता है। मैंने बताया कि बेंजीन वलय में, ये आपकी बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के अंदर मैंने कहा कि एक कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइन कहलाता है। अब देखिए ये बेंजाइन किस प्रकार से बनी है वो डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए यहां पे सपोज मैंने कहा था आपको पहले पिछले वीडियोस में भी कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस हाइड्रोजन को हम यहां पर नहीं दर्शाते हैं, यदि इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, किन्हीं दो हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या बना लेंगे, त्रिबंध बना लेंगे। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि यदि बेंजीन में से मैं दो हाइड्रोजन निकाल देता हूं, बेंजीन में से दो हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजाइन प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहां पे चूंकि हम बेंजीन में से दो हाइड्रोजन निकालने से हमें बेंजाइन प्राप्त हो रही है, तो हम इसको वी हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, डी हाइड्रोबेंजीन, या हिंदी में कहें वी हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो बेंजाइन का त्रिबंध है, ये बेंजाइन का त्रिबंध बहुत अधिक तनावयुक्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर बेंजीन की षटकोणीय ज्यामिति जो होती है, उस षटकोणीय ज्यामिति के कारण से जो, चूंकि यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अपने रेखीय रूप को प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब रेखीय रूप को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये यहां पर बहुत अधिक तनाव महसूस करता है। अगली बात देखिए यहां पे इस संरचना को हम विकृत एसिटिलीन भी मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एसिटिलीन की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रेखीय संरचना होती है, और रेखीय संरचना में जिसमें नया जो पाई बॉन्ड होता है वो दो निकटवर्ती sp2 कक्षकों के संपार्श्विक अति व्यापन से बनता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, विकृत एसिटिलीन नाम भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस बेंजाइन के फॉर्मेशन के बारे में कि बेंजाइन का फॉर्मेशन कहां कहां किस तरीके से होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, फॉर्मेशन, अब देखिए फॉर्मेशन में सबसे पहले किसी बेस की रिएक्शन होती है एरिल हैलाइड के ऊपर, किसी बेस की रिएक्शन होती है एरिल हैलाइड के ऊपर, यानी हम यूं कहें कि बाय द रिएक्शन ऑफ ए बेस ऑन एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या है, इधर देखिए ये है आपका एक एरिल हैलाइड, ये हुआ Br, और ये यहां पे लगा रहे हैं हम हाइड्रोजन।
और देखिए इस ये हुआ आपका एरिल हैलाइड। इस एरिल हैलाइड के ऊपर मैंने कहा किसकी रिएक्शन कराई आपने, किसी बेस की रिएक्शन कराई। तो देखिए यहां पर Br चूंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकलता है और बेस यहां से क्या करता है, इस H प्लस को गेन कर लेता है। तो जब इसको गेन कर लेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस प्रकार से एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल, साथ में हमें मिलेगा NH3 और Br नेगेटिव। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया है, यहां पर बेंजाइन प्राप्त हो गया है। ठीक इसी प्रकार से देखिए नंबर दो सेकंड कि एंथ्रेनिलिक एसिड के ताप अपघटन के द्वारा, ताप अपघटन को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, पाइरोलाइसिस, बाई पाइरोलाइसिस ऑफ एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड के तापीय अपघटन के द्वारा, अब देखिए यहां पे ये है आपका एंथ्रेनिलिक एसिड, और इस एंथ्रेनिलिक एसिड को जब हम NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या, एक हमें प्राप्त होता है बेंजाइन, और साथ में प्राप्त होता है NH2 और साथ में प्राप्त होती है हमें CO2। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, बेंजाइन प्राप्त हो जाती है। तो ये बात थी किसकी, इंटरमीडिएट एराइन जिसमें हमने स्टडी की किसकी, बेंजाइन की। अब देखिए अगला इंटरमीडिएट मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूं, अगला इंटरमीडिएट आता है नाइट्रीन। नाइट्रीन देखिए नाइट्रीन किसे कहते हैं, सिंपली जब नाइट्रोजन के ऊपर जब वह उदासीन स्पीशीज जिसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड तथा दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, मैंने कहा एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर, एक सिग्मा बॉन्ड तथा दो क्या उपस्थित हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वो स्पीशीज क्या कहलाती है, नाइट्रीन कहलाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का जो बाह्यतम कोश है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्पीशीज भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से ये नाइट्रीन भी किसकी भांति व्यवहार करती है, एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करती है। अब देखिए अगली बात कि नाइट्रीन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, तो देखिए एजाइड इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है नाइट्रीन को बनाने का, वो क्या है, एजाइड को गर्म करना। तो एजाइड का मतलब कि RN3 ये हुआ मेरा एजाइड, और इस एजाइड को गर्म करने से क्या बन जाएगा, RN नाइट्रीन प्राप्त हो जाएगी, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। कोई भी ले सकते हैं, सपोज इसके साथ में R बराबर यदि मैं कोई एल्किल समूह ले लेता हूं
तो एल्किल समूह किस प्रकार से होगा, देखिए N3 होगा, N3 को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये बना लेगा क्या, इस प्रकार से नाइट्रीन बना लेगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यहां पर क्या प्राप्त हो जाती है, नाइट्रीन प्राप्त हो जाती है। अब देखिए अभी हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं कि नाइट्रीन की रिएक्शन कहां होती है, तो नाइट्रीन की रिएक्शन के लिए देखिए यहां पर होता है डाइमेराइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, डाइमेराइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम नाइट्रीन की, तो इसमें होती है डाइमेराइजेशन, जिसको हम कहते हैं द्वितयीकृत, हिंदी में हम कहते हैं द्वितयीकृत। तो देखिए यहां पर जैसे मेरे पास में कोई एरिल नाइट्रीन थी, यानी अभी जो मैंने बनाया था एरिल नाइट्रीन, इसके कोई दो मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ में द्वितयीकृत होकर के क्या बनाते हैं, डाई एजो बेंजीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डाई एजो बेंजीन बनाते हैं। तो देखिए ये था आपका एरिल नाइट्रीन, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत तेजी से क्रिया करके और क्या बनाते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, और ये हुआ आपका इस तरीके से, ये नाम है डाई एजो बेंजीन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने तीन प्रकार के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़े, कार्बीन, बेंजाइन और नाइट्रीन।